ऐसा ना हो तो जिंदगी में हमने के नखिस रख ले मतलब क्योंकि बेटे नु हो वो नु हो चूंकि इसके लिए जिम्मेदार। देखिए चार जने नहीं, यहाँ तो हमको लगता है कि 20 जाने चली गई है, बाकी हम भी दोषी है आप भी दोषी है। जब घटना घट जाता है तो सब लोग डिमांड करते हैं, घटना खत्म हो जाता है उसके बाद हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी हैं। इसलिए दोषी है कि आप भी कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यहाँ घटना घटा था। कौन नहीं करता है हम, अरे आपके मतलब नहीं, मीडिया के मतलब नहीं करे, आम पब्लिक की बात कर रहे हैं कि पब्लिक को भी कहना चाहिए कि सिन्हा जी बाप इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी बाई एसपी साहब डीएम साहब आप 24 घंटा बीत गया आप ब्रेकर कहने बजे तो हम रूट जाम करेंगे। हाला भोला तब हम निकल कर नहीं है के दिया आवाज आवत ल मन पट पट गोरिया कुल गिरत ल आवाज आवत ल त ओइ से हम निकल निकल दौड़ दौड़ कर नहीं है बेटा भातार हमने के रोड पर रहले स तन तब हमने को नहीं है। कोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। अलग अंदाज के चैनल पर आज आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सिवान जो आपका आंदर ढाला है, सिवान मेन टाउन से जब आंदर ढाला पे चढ़ते हैं और टेढ़ी घाट रघुनाथपुर वाला रोड में आप जब जाते हैं तो हम चाहेंगे कि एक बार इस ब्रिज को दिखाया जाए। ब्रिज से आप जैसे ही उतरते हैं तो यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। ये पहला बार नहीं है, इस तरह का घटना पहले भी घट चुकी है, लेकिन इस बार जो घटना घटी है वो वाकई दिल को दहला देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्योंकि तकरीबन 7-8 लोगों को कुचलते चला गया है जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पे भी मृत्यु हो गई है, अभी हॉस्पिटल में है, घटनास्थल पे हैं। अभी हम लोग हालात को हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी आसपास के लोग हैं स्थानीय लोग हैं रोड को जाम कर दिए हैं और प्रशासन भी पहुंच चुकी है और कुछ लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। लेकिन अभी भी ये आप देख सकते हैं ये 6:42 हो रहा है। कितने देर पहले का घटना ये? ये 15-20 मिनट का पहले का, 15-20 मिनट पहले का, आधा घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, यानी ऐसा समझिए कि 6:30 बजे 6:15 के बीच में 6:15 के बीच में ये घटना घटी है। प्रशासन भी आ चुके हैं लेकिन अभी भी सब लाश जा चुका है, अभी लाश एक भी नहीं गया है। सब फोटो ले लीजिए। यही क्या है, हम यही कैमरा है आपका पास में है ये? आप देखे थे ट्रक को जाते? नहीं देखे, घर पर हम थे जब हल्ला हुआ तब हम निकल कर आए हैं। जब पूरा हो गया था ना तो घर पे हमारा घर वाला बोला पापा एक्सीडेंट हुआ है रोड पे, तब हम आए हैं। श्रीनिवास यादव जी हैं जी, क्या कहेंगे? नहीं बहुत दुखद घटना है, इसे तो लगभग हमको लग रहा है कि 5वां बार घटना घट चुकी है। पिछले बार दशहरा में भी एक घटना घटा था, लंबे 3-4 आदमी मर गए थे, उस समय भी प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला था कि यहाँ ब्रेकर बनाया जाएगा, बाकी हम नहीं बनाया गया। बाकी आज तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, SDO साहब से बात कर रहे हैं कि हम चारों एक ही दिशा में नहीं चारों दिशा में ब्रेकर बनाने का काम करेंगे। हमको पूरा परिवहन विभाग से मांग है, जिला प्रशासन से मांग है कि सिवान जैसे 60 ऐसे जगह है जो सिवान जिला में बार बार रोड एक्सीडेंट होता है, वहाँ एक्सीडेंट रोकने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, वहाँ ब्रेकर बनना चाहिए। परिवहन विभाग लाखों रुपया खर्चा करता है कि रोड सुरक्षा में, उन्होंने हेमलेट के नाम पर कई तरह के नाम पर खर्चा करता है। कह रहे हैं कि मैंने जो जिला प्रशासन क्या करे कि ब्रेकर बन जाएगा चारों जगह पे, इंस्पेक्टर साहब हमारे सामने सब लोग के सामने आश्वासन दिए हैं कि 24 घंटा के अंदर में हम ब्रेकर बनवाएंगे। इससे पहले जो एक्सीडेंट हुआ, इसके पहले इंस्पेक्टर नहीं थे, जो चार जाने जा चुके इसके लिए जिम्मेदार? देखिए चार जाने नहीं, यहाँ तो हमको लगता है कि 20 जाने चली गई है, बाकी हम भी दोषी है आप भी दोषी है। जब घटना घट जाता है तो सब लोग डिमांड करते हैं, घटना खत्म हो जाता है उसके बाद हम भी दोषी हैं, आप भी दोषी। इसलिए दोषी है कि आप भी कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं कि यहाँ घटना घटा था। कौन नहीं करता है हम, अरे आपके मतलब नहीं, मीडिया के मतलब नहीं करे, आम पब्लिक की बात कर रहे हैं कि पब्लिक को भी कहना चाहिए कि सिन्हा जी बाप इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी बाई एसपी साहब डीएम साहब आप 24 घंटा बीत गया आप ब्रेकर कहने बजे तो हम रूट जाम करेंगे, तो निश्चित तौर पर याद होगा। बाकी जब घटना घट गया तो 100 लोग थे, बाकी आज इंस्पेक्टर साहब कहे हैं कि हम निश्चित तौर पर 24 घंटा के अंदर में ब्रेकर बनवाने का काम करेंगे। इंस्पेक्टर साहब तो दूर के नहीं है, कहीं बाहर के नहीं है, एनु रहेंगे टाउन थाना तो वो कहे कि बनाएंगे। SDO साहब से खुद मैं बात किया हूँ, वो कहे कि हम PWD के रोड से स्कूटी से बात करते हैं कि कहीं इधर लोकल में काम चल रहा है पीच का, तो वो लगेगा तो एक दिन में भी निश्चित तौर पर चालू करो
बना सकते हैं। ब्रेकर यहाँ जरूरी है, एक ब्रेकर से काम नहीं, एक ब्रेकर से तो बहुत घटना घट सकती है, बहुत घटना घट सकती है। बाकी लगातार 10-12 को ब्रेकर छोटा छोटा बनना चाहिए कि ताकि गाड़ी आए तो एकदम पूरा उसका मूवमेंट टूट जाए और तब जाके सामान हो जाएगा। एक ब्रेकर होगा तो कोई आएगा स्पीड में तो उसी से एक्सीडेंट बन, जैसे कि जैसे मैरवा में रात में घटना घटा, आपको देखिएगा कि सिसवन रोड में जो एथी है सहुली, सौली के पास 2 ब्रेकर है, आज जब आदमी जाता है तो नहीं बुझाता है, आज जब गिर जाता है तो बुझाता है, आई बल यहाँ ब्रेकर है, तो वो गलत है। बाकी देखिएगा कि जहाँ लगातार छोटी छोटी ब्रेकर बना दिया गया है वहाँ घटना बहुत कम, जैसे कि मान लीजिए कि पासवान चौक बाईपास में हरदिया मोड़ पर, वहाँ से बैसाखी मोड़ पर ओरमा जब हुआ, जहाँ जहाँ ब्रेकर बन गया है वहाँ एक्सीडेंटल ना मात्र हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुआवजा वगैरह निश्चित तौर पर प्रशासन से मैं मांग करता हूँ और सरकार से भी मांग करता हूँ कि जो सरकार के धूलमिल नीति है मुआवजा देने के लिए कि आप लाइए फलाना कागज लाइए फलाना कागज लाइए फलाना कागज लाइए तो मुआवजा देंगे। बाकी हम जिला प्रशासन और सरकार से भी मांग करेंगे कि इसमें संशोधन होना चाहिए, इसको आपदा में कम नोट होना चाहिए कि पहले जिस तरह 4 लाख रुपये मिलता था और विलोम मिले, और नहीं तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कोष से विशेष परिस्थिति में इस प्रजन को अविलंब सहयोग करे और बाकी जो पैसा आ जाएगा तो उसमें अपना कन्वर्ट करने का काम कर सकती है। अच्छा कुछ डिटेल है जो नहीं, अभी डिटेल्स अभी कोई कह रहा है कि कहाँ के कोई कहाँ कहीं गए, जब तक इसका कागज नहीं बनेगा सदर अस्पताल में नहीं जाएंगे तब तक ले क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए कि उसका आधार खोजा जाएगा। इसमें एक अवतार नगर के मास्टर भी है, कई तरह के कौन व्यक्ति कहाँ के तक क्लियर नहीं है। जब तक हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, हॉस्पिटल में एक आदमी को भेजा गया है, एक बच्ची है जो अपने संबंधी की अच्छा परा कि यहाँ भी है, उसको भी एम्बुलेंस भेजे हैं, उनके गार्जियन क्या कि हमको एक साधन दीजिए हम भेजने का काम किए, और जैसे यहाँ के लोग सहमति बना देंगे तुरंत हम ले जाएंगे, कागज पत्र बनवाएंगे, परिजन के कंफर्म हो जाएगा, जिसके जिसके परिजन को पोस्टमार्टम करा के भेजवाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन से वो 24 घंटा का समय दिया है, हम कल से लग के उनसे निश्चित तौर पर बनवाने का काम करेंगे। कितने लोगों को रौंदा है, 3 व्यक्ति का मृत्यु हो गया है और 2 व्यक्ति घायल है, 2 व्यक्ति घायल। चलिए श्रीनिवास जी थे वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, तो लाइव तस्वीर अलग अंदाज की टीम दिखा रही है, बता रही है, पहुंचा रही है, ये गाड़ी पड़ी आगे का सीधी तस्वीर है। हमने का हाला भइला तब हमने के निकल के नहीं है सर, केती आवाज आवत ल मन पट पट गोरिया कुल गिरत ल त आवाज आवत ल त ओइ से हमने के निकल निकल दौ दौ के नहीं है सर। बेटा भातार हमने के रोड पर रहल स तन हां तब हमने के नहीं है सर, पूरा रोड पर से लास हां आवत ल त पूरा भीड़ एकदम यहां से वहां लोग जगह में हो रही है। हाँ ये बताइए कि न गाड़ी या जाओ तो है ना, कहाँ लोग भागी, कहाँ भागी हो ना, दुकान बा मिठाई वाला तो लोग मिठाई के है, रोड पर ले तो गाड़ी लगा लगा लोग मिठाई खाता, गाड़ी लगा के लोग मिठाई खरीदता, तो लोग कहाँ जाई, पब्लिक कहाँ जाई। हमारा ये कहे के बाद जहाँ से सरकार के नाला बा वजह से जमीन क्लियर रहे के चाहिए, रोड फ्री रहे के चाहिए, जितना कूड़ा चढ़ा कचड़ा दौरी दुकान ट्रक उतरल बदल रोनते चल। हाँ एकदम एकदम वो हमने का आवाज सुनी है जब फट 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 तब हमने के धौरल आतन जे कि का भइल का भइली, लेके 3 हाली हो गई, 3 हाली हो गई। अब आपका भी घर है जी नुबा, बोल हम बोले हैं नहीं बात की बात तो बोले ना, फिर बोलिए ना, हम बोलना ही चाहते हैं। हाँ कितना लोग को मारा है, 4-5 आदमी को मार ही दिया है, मार दिया। हाँ हम आए तो देखे यहाँ वहाँ पे देखे और गए तो थोड़ा आगे में देखे वो लड़का को देखे, फिर वहाँ गए आने से पहले 2 आदमी शायद चले गए थे वहाँ पे, 2 आदमी बच्चे का ठीक नहीं, 3 आदमी डेथ कर गए। हाँ 3 आदमी डेथ कर गए हैं, बहुत बुरा तरह है, जाकर वहाँ भी फोटो आप ले सकते हैं, और हम लोग एक भी गाड़ी ब्रिज के आगे में हम लगने नहीं देंगे, किसी का भी गाड़ी हो एक भी गाड़ी हम लोग नहीं लगने देंगे, हम रोड के पास में हम लोग का घर है, हम लोग शांति भाई हम लोग चाहिए, गाड़ी दुर्घटना से हम लोग मतलब अति हम लोग ऐसा न हो तो जिंदगी में हमने के नखिस देख ले बनबे के बेटे न हो वन हो। तो वीडियो को खत्म करेंगे, घटना स्थल पे अभी अलग अंदाज की टीम है, 3 जाने तो कंफर्म है, लेकिन कोई लोग कुछ लोग कह रहा है 3 जाने गई है, कुछ लोगों का कहना है कि 4 जाने जा चुकी है, लेकिन जो भी अपडेट है अब तक का हम लोग तमाम चीज़ें अब तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलहाल आप लोग बने रहें, देखते रहें।